हेलो फ्रेंड, मैं आज बनाने जा रही हूँ गोंद के लड्डू, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली होती है और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। उसका मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। ये सारा ड्राई फ्रूट को रोस्ट करूँगी, उसके बाद गोंद के लड्डू हमारा बनेगा। गोंद के लड्डू बनाने में क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ये नारियल है, क्रश करके मैं रखी हूँ। ये इलायची है। ये मखाना को मैं फ्राई कर रोस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा घी डाल के। और ये है हमारा बादाम और ये काजू, और थोड़ा मूंगफली को भी रोस्ट की हूँ। ये हमारा है गोंद। ये घी भी फ्राई करूँगी। फिर इसमें जाएगा बेसन, 1 पाव बेसन डालूँगी। ये आधा केजी हमारा गोंद है। 1 पाव बेसन डालूँगी और 1 पाव आटा डालूँगी, गेहूं का आटा। 1 चम्मच घी में इसको रोस्ट करूँगी, हमारा बादाम और काजू को। ये रोस्ट कर ली मैं। इसको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही करना है, नहीं तो हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा, करवाने लगेगा। हल्का इसको करके फिर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मैं करूँगी नारियल को थोड़ा सा फ्राई, और आटे को भी घी में भूनना है और बेसन को भी। उसके लिए 4 चम्मच में आटे को भूनना है और 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच घी में बेसन को भूनना है। फिर सारे को मिक्सी में दरदरा उसको पाउडर तैयार, पाउडर नहीं तैयार करेंगे, दरदरा सा मोटा सा ही रखेंगे ताकि उसका टेस्ट आए। इलायची को साथ में भी कर लेंगे, उसको भी मिक्सी में 2 मिनट इसको चलाएंगे। ये क्रश किया हुआ नारियल है, इसको 1 मिनट कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें जाएगा गोंद। देखिए गोंद को हल्के आंचे पे आंच पे ही फ्राई करते हैं, नहीं तो वो कच्चा रह जाता है अंदर से, तो दांत में चिपकने लगता है। तो धीरे धीरे आटे को फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ, फ्राई नहीं कर रही हूँ, भून रही हूँ घी में। और इसको फ्राई करके रख ली हूँ। ये गोंद है, आधा के जी गोंद को मैं फ्राई करके रखी हूँ। ये आटा भून के तैयार हो गया है, इसी स्टेज पे इसको उतार लेना है। उसके बाद मैं बेसन को भूनूंगी। इसमें 4 चम्मच घी डाली हूँ भूनने में आटे को। आटा भून के तैयार कर ली हूँ, अब मैं भून रही हूँ बेसन को। अब मेरा बेसन भी भून के रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। चीनी के साथ ही इलायची को भी बारीक पीस लेंगे। शक्कर को हमने बारीक पीस लिया है, आधा केजी शक्कर को। ड्राई फ्रूट को ऐसे दरदरा पीसना है, मोटा। देखिए मखाने को भी मैं दरदरा कूट रही हूँ। और ये रहा मेरा ड्राई फ्रूट, और ये आटा और बेसन भुना हुआ, और ये रहा गोंद। इसको भी क्रश करना पड़ेगा गोंद को। गोंद को ऐसे ऐसे क्रश थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको बारीक नहीं किया जाता है, हल्का सा क्रश करके। और सारे को, सारे मिक्सचर को मिक्स करके उसमें थोड़ा घी डाल के गरम करके फिर लड्डू तैयार हो जाएगा। मिक्सचर को मैं मिक्स कर दी हूँ। अब ये ठंडा हो गया है इसलिए ये लड्डू बन नहीं पा रहा है, तो मैं कढ़ाई में भी घी डाली हूँ, उसमें इस मिक्सचर को डाल के और गरम करूँगी, तो ये हमारा लड्डू बनने लगेगा। Yeah.
फ्रेंड्स अभी हमारा लड्डू बन चुका है, अभी बन रहा है। हाँ अभी बन रहा है। अभी मम्मी यहाँ पे थोड़ा बचा है, यहाँ पे भी बहुत सारा बचा हुआ है। Thank you.